वेलकम टू शराब की क्लासें। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ा और उसका शेष भाग प्लस राजस्थानी साहित्य के उद्देश्य और प्रभाव को भी हम यहाँ थोड़ा विवेचन करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने लिखा हितेन सहितम साहित्यस्य भावः साहित्यम्। हितेन सहितम सहितस्य भावः साहित्यम्, जिसमें हित की भावना, अर्थात जिसमें हित की भावना निहित हो वही साहित्य है। हित किसका? दूसरों का। परम हित हो, परमार्थ हो। वस्तुतः इसका मूल उद्देश्य लोक कल्याण की भावनाओं के प्रतिनिधि के रूप में अपनी संवेदनशील दृष्टि तथा सौंदर्य चेतना से जीवन के सत्य और मर्म का निरंतर अनुसंधान करता रहता है। तो इससे जो सार निकल के आया कि साहित्य को समाज का दर्पण माना गया, किधर आपका दर्पण कैसा है? साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है और इसका महत्व भी हमारे विचारकों ने, शिक्षाविदों ने बताया कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं। अंधकार वहां होता है जहां सूर्य नहीं होता। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, भास्कर, आदित्य नहीं है। मुर्दा है वे देश जहां साहित्य नहीं है। तो वो देश मुर्दा होता है जहां पे साहित्य नहीं। हम तो राज्य का साहित्य पढ़ रहे, तो हमारा राजस्थान में जब साहित्य बड़ा छंद अलंकार से पूर्ण अलंकृत है, तो इसका मतलब हमारा राजस्थान जो राज्य है भारत वर्ष के अंदर कितना श्रेष्ठ है। ये तो हमारा साहित्य और उसकी रचनाएं और हमारे रचनाकारों की वाणी और उसके अमृत से, कंठ से, मुखारविंद से निकले हुए और लेखनी के द्वारा रचित जो लेख है उसे होता है। यानी कि साहित्य आत्म तृप्ति कारक एक मानसिक भोजन है, हमारी आत्मा को तृप्ति देने वाला एक मेंटल फूड है। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्यप्रद भोजन से हमारा स्थूल शरीर बलिष्ठ और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार सत्य साहित्य से, अच्छे साहित्य से हमारी बुद्धि और विचार शक्ति बढ़ती है और अलौकिक आनंद मिलता है। यानी हमारे समाज का विकास होता है, समाज अच्छा होता है, अच्छे संस्कार होते हैं। और भारत में आज संस्कारों का अभाव हमें कूड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि हम उन साहित्यों का वर्चन नहीं करते। उन्हें रंजी लग रही है, उन्हें धूल चाट रही है और उसको हम नहीं पढ़ते हैं। और इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, कुछ कृतियां कल हमने पढ़ी थी और आज और कृतियों को मैंने जोड़ा। मेरा 99.9% प्रयास रहा है कि कल और आज में जो कृतियां मैं यहाँ आपको बोल के याद करा रहा हूं, उससे बाहर शायद कोई भूल से आ जाए या मेरा प्रयास भी कहीं खामी रह जाए तो बात अलग है। बाकी 100% दावा है कि इन कृतियों में से पेपर में एक कृति आएगी। अब चाहे वो रिट का एग्जाम हो और चाहे आरएस का एग्जाम हो और चाहे अन्य आपके कंपटीशन हो जो राजस्थान के रेफरेंस में है। तो पहला अगला पृथ्वीराज विजय जो जयनक ने लिखी, यानी अजमेर की जानकारी इसमें मिलती है। अजमेर जो हमारा चौहान वंश था और राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड जयनक जो रचनाकार थे, उन्होंने अजमेर की जानकारी का वर्णन इस पृथ्वीराज विजय में किया। बुद्धि सागर इसमें जान कवि के द्वारा वर्णन किया गया। सूरज प्रकाश कर्णिदान के द्वारा किया गया। मेघती काया मुलकती धरती अन्ना रामा सुदामा के द्वारा ये रचना रचित गई। अमर काव्य अमरदास नालस प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग के द्वारा, राजवल्लभ मंडन के द्वारा, एकलिंग महाकवि महाराणा कुंभा के द्वारा। श्याम कुंभा एक साहित्यकार थे, बहुत बड़े शिल्प मतलब जो है स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी के द्वारा, कुवलयमालय उद्योतन सूरी पूर्व में मंडन में पढ़ चुके हैं। भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्र सैन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी, कर्मचंद वंशो कीर्तन कम काव्यम ये जयसोम के द्वारा लिखा गया। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट के द्वारा और अमर सार पंडित जीवाधर के द्वारा। इसके बाद राज रत्नाकर राज विनोद, राज रत्ना और राज विनोद एक ने लिखी, इसलिए लिख दिया भटासत शिव। भटासत शिव जो है रचनाकार थे, जो राज विनोद का आता तो भी यही थे, राज रत्नाकर आता तो भी यही थे। ढोला मारवाड़ी चटपड़ी के कवि हरराज के द्वारा रचित है। बृज श्रृंगार कर्णिदान के द्वारा रचित है। डिंगल कोश मुरारीदान के द्वारा रचित है। वाणी वे सर्वंगी रज्जब के द्वारा लिखी है। बातारी फुलवारी विजयदान देता जो हिंदी में बहुत इनके गद्य पद्य पढ़ा थे। पासवर नाथ चरित सिरधर के द्वारा, नरसिरो मायरो राजस्थान के रेफरेंस में आप प्रिय विद्यार्थियों बहुत अच्छे, क्योंकि नरसी भाई का आप टीवी देखते हैं तो मायरा आता ही है और कभी कभी एग्जामिनर को इजी क्वेश्चन देना आता है, ऐसा क्वेश्चन देता है और जो आपको फिर भी नहीं आता तो मलाल होता है कि यार ये तो हमें ध्यान था फिर भी मैं गलत करके आ गया। नरसी रोमायरो रत्ना खाती के द्वारा रचित है। राजियारा सोल्टा कृपा राम बाबूजी रा छंद गोगा जी रा रसावला, यानी कि बाबूजी के छंद और गोगा जी के रसावले दोनों बीटू मेहा के द्वारा रचित है। रचनाकार बीटू मेहा। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, चर्चरी जिंदत सूरी, बुद्धि रासो जल शत्रु साल रासो डूंगर सी राणा रासो दयाल सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर के द्वारा रचित है।
फिर आता है सुरजन चरित्र, जो हमारे बूंदी के राजा सुरजन थे, उनका जो वर्णन है कवि चंद्रशेखर के द्वारा, उनकी रचना दी गई थी, उनमें अच्छाइयां भी थी और बुराइयां भी थी। प्रबंध चिंतामणि मेहरु तुंग अजीतोदय भट्ट जग जीवन जिंदत सूरी स्तुति पाले के द्वारा लिखी, व्रत कथा कोश हरिसेन के द्वारा, सम्रा इच कहा हरिभद्र सूरी के द्वारा, हरिरस ईश्वरदास के द्वारा, विरुद्ध छैत्री दुर्सा आडा के द्वारा, नाग दमन सायाजी झूला के द्वारा, रतन जस प्रकाश सागर के द्वारा, गुण भाषा हेम कवि के द्वारा, गुण रूपा केशवदास के द्वारा, रणमल छंद श्रीधर के द्वारा, राम रासो माधोदास चारण के द्वारा, केहर प्रकाश भक्तावर्जी के द्वारा, फिर बीच में रह जाते हैं सुदामा चरित्र मोहन राज के द्वारा, फागुन पुराण मोहन राम के द्वारा, हमीरट जो हमारे हरणतंबोर के राजा हमीर रहे चौहान वंश के, उनका वर्णन जो है कवि चंद्रशेखर के द्वारा रचित किया गया। ग्रंथ राज गोपीनाथ के द्वारा, अभय पैत्री श्रीलाल जोशी के द्वारा, बादली चंद्र सिंह बिरकाली, और लू जो है चंद्र सिंह के द्वारा, और डफर भी चंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, और कोई रचना मेरे दिमाग में आएगी या मेरी पाठ्य सामग्री जो पुराने नोट्स वगैरह हैं उनमें से मैं ढूंढ को आपको अगले अध्याय के साथ और बताऊंगा। मेरे ख्याल में 99.9% जितनी भी जो राजस्थान की साहित्य कृतियां हैं वो कुछ वर्णन में आ गई, जो अपन ने उसकी प्रस्तावना भूमिका के बारे में पढ़ा था, बाकी अपना लक्ष्य लिखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको प्रेरणा के कॉन्फिडेंस, टीचर्स का मतलब होता है वो पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, टीचर गार्डनर होता है, अलग अलग रूप में टीचर मित्र होता है, टीचर मतलब जो है मार्गदर्शक होता है। तो कहने का मतलब मैं कोई भगवान नहीं, लेकिन वास्तव सत्य ये होता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका होता है, टीचर का अपना में कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और वो विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस दे दे, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं तो पूर्व में भी आपको जो मनोविज्ञान पढ़ाया और मनोविज्ञान को वीडियो देखो, तो टीचर और स्टूडेंट की अलग अलग एब्रीविएशन को मैंने वर्णित किया था, पुनः मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। जैसे अपन टीचर की जो स्पेलिंग होती है यहाँ पे टी, तो टी फॉर टैक्ट, यानी वो टीचर नहीं जिसमें कला नहीं हो, टैक्ट का मतलब कला से। ई का मतलब एफिशिएंसी, उसमें पढ़ाने की दक्षता हो, ज्ञान वो बोले डायरी में लिख के ले जाए लेकिन बच्चों को अच्छे से आत्मसात करा दे। डायरी भरना नोट्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है। ए उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका सकारात्मक होता है, अपन मानव मन है, कुछ घरेलू कुछ आर्थिक सामाजिक या स्वतः ही, लेकिन उसका प्रयास ये हो कि हमारा एटीट्यूड बच्चों के सामने तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सी बार मैंने देखा है ये पढ़ के क्या करेगा, इसको पढ़ के क्या, इसको तो ये करना वो करना, तो टीचर्स को इसे खींचना नहीं चाहिए। मानव मन है, मैंने क्या पता गलती हो सकती है, लेकिन उसमें अपेक्षित सुधार की हमें आवश्यकता होनी चाहिए। सी फॉर कॉन्फिडेंस, कि आपका आत्मबल बहुत ऊंचा होना चाहिए। और चींटी से कहानी होती है कि मतलब चींटी कितनी बार बार गिरती है, स्पाइडर एंड किंग की जो कहानी, आप इसलिए आपको मॉरल एजुकेशन के अंदर नैतिक शिक्षा में अंग्रेजी के माध्यम सब्जेक्ट के माध्यम से लैंग्वेज में कहानी किससे कथा जोड़ना, इसका उद्देश्य ही होता है कि वह सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, कि टीचर का आत्मबल ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि टीचर पहले प्राइमरी में 10 को 20 को पढ़ाता है, फिर आता है मिडिल में 30 की क्लास होती है, सेकेंडरी में आता है 50-60-100 तक हो जाते हैं, और जब सीनियर में जाता है तो रहस्य तो वही रहती है, लेकिन बच्चों का साइकोलॉजिकल लेवल अलग हो जाता है, उनमें कई मतलब किशोरावस्था एक तूफानी काल होती है, लेकिन जब कॉलेज में जाता है तो बस 100 की क्लास ऑटोमेटिक हो जाती है। साइंस के अंदर तो पुराने टाइम में 100 ही एक लेक्चर, मैथमेटिक्स में बायोलॉजी में 100-100 स्टूडेंट होते थे, या कॉमन क्लास फिजिक्स की कॉमन क्लास 100 की होती थी, तो वहां पे यदि टीचर को पढ़ाने की टेक्निक होगी तो वो 100 उसको बाहर निकाल देंगे ऑटोमेटिक, वो खुद निकल जाएगा। तो आत्मबल उसका ऊंचा होना चाहिए। और जो ये जय गुरुदेव कोई भी अपन देखते हैं, जो हमारे धर्म के अधिष्ठाता है, डीन है, धर्माचार्य आचार्य महाआचार्य प्राचार्य, तो ये तो संबोधित करते हैं 5,000 को 50,000 की सभा को संबोधित करते हैं, तो उनका आत्म लेवल बहुत ऊंचा होता है, आत्मबल बहुत ऊंचा होता है। और सही मायने में विद्यार्थियों मतलब हमारा सबसे बड़ा मित्र आत्मबल होता है। ये सब स्वार्थी होते हैं, माता पिता भाई बहन परिवार, ये सब स्वार्थी होते हैं। जो आत्मबल होता है वो मनुष्य का सच्चा मित्र होता है। एच फॉर ऑनेस्ट, हमारा ईमानदारी से हम उस कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर वर्क। उसके बाद आता है ई का मतलब यहाँ एनर्जेटिक, ऊर्जावान होना चाहिए, आप ऊर्जावान होगा, अभी मैं बोल ही नहीं पाऊ है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और आर का मतलब रिस्पॉन्सिबल, आप भी उतने ही जिम्मेदार है जितना कि विद्यार्थी और दूसरी जिंदा है। तो टीचर का पैसा कर्तव्य नहीं होता है। फिर अपन स्टूडेंट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट के अंदर एस फॉर सिंसियर, की विद्या ददाति विनयम, मतलब विनम्रता उसकी पात्रता है। पहले आप देखिए गुरुकुल के अंदर तो पात्र देखते थे कि ये एटिकेट्स है कि नहीं है, जेब से हाथ बाहर निकालता है
प्रणाम करता है, नतमस्तक होता ही नहीं होता है। तो यदि ऐसी सिंसरता गुण नहीं होती तो उसको विद्यार्थी का दर्जा नहीं मिलता था। इसके अलावा टी फॉर उसमें ट्रूथफुल, स्टूडेंट का मतलब सच्चा बोलना, या टेक टीचर के लिए टेक लागू और स्टूडेंट के लिए पहले टी के लिए ट्रूथफुल, सदा सत्य बोलो। आप देखिए आप प्राइमरी मिडिल कोई भी पुरानी स्कूल में आप जाओगे या हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, तो वहां पे प्रधानाध्यापक कक्ष में या कार्यालय के ऊपर, क्योंकि जहां वहीं लोग ज्यादा जाते हैं, तो लिखा सदा सत्य बोलो। जिस बालक को ये पाठ समझ आती है, आपने पढ़ा दिया तो जीवन में उसको बहुत कुछ पढ़ा दिया, तो स्टूडेंट को सत्यवादी होना चाहिए, राजा हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए उसका नाम ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोला। यू यू का मतलब वर्ब एंड सभ्य होना चाहिए। सभ्य का मतलब अपन पहले पार्टी माले खाना खाते हैं, बाजे पाजोट पे बैठ के सभ्यता होती है। डी फॉर ड्यूटीफुल, कर्तव्य प्रायण होना चाहिए। गुरु रामदास ने कहा शिवा आज मुझे बुखार आ रहा है, तो गुरुजी मैं आपके लिए क्या करूं, क्या सेवा कर सकता हूं? शिवा शेरनी के दूध से मेरा बुखार उतरेगा, आप देखा ना। तब उस शिवाजी ने शेरनी का दूध जंगल में जाके निकाल के गुरु के चरणों में भेंट किया, तो शिवाजी की परीक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि गुरु रामदास को कोई बुखार नहीं था, उन्हें शिवाजी की साहस को बढ़ाना था और उसके साहस को, हौसले को अफजाई करने के लिए समर्थ गुरु रामदास ने उसको अपने कर्तव्य प्रायणता का बोध कराया। तो स्टूडेंट में ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बालक आज के टाइम में शेरनी का दूध लेने चला जाए, लेकिन उसे मतलब इस प्रकार से कर्तव्य बोध होता है कि गुरु की आज्ञा का पालन कहां तक समर्थ रूप से हम कर सकते हैं। ई ई का मतलब होता है एनर्जी थी, या स्टूडेंट को ऊर्जावान होना चाहिए। यदि स्टूडेंट ऊर्जावान नहीं है तो टीचर कितना ही ओतप्रोत पढ़ाए, यदि आप ग्रहण नहीं कर रहे, मैं कितना ही ज्ञान आपको बांटूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। एन फॉर नीटनेस, यानी बालक को साफ से पहले देखिए धोती अंगर की पहन के आते तो भी कमर कसी होती है, आजकल हम टाई बेल्ट शूज के द्वारा बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कहने का मतलब बालक जो है साफ स्वच्छ और एनर्जेटिक रहना चाहिए, तो वो नीटनेस होगा। तभी टी का मतलब अब उसमें टैक्ट होनी चाहिए कि टीचर उसको किसी भी कला कौशल के द्वारा, माइक्रो टीचिंग के अंदर जो कला कौशल देखें बीएड और एसटीसी की ट्रेनिंग में, एमएड की ट्रेनिंग में, एमफिल की ट्रेनिंग में, पीएचडी के द्वारा उसने कितने कौशल्स को, कितने ज्ञान को आत्मसात किया जो बालक को दे रहा है, लेकिन बालक में यदि उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, टैक्ट नहीं है, तो विद्यार्थी अपने जीवन में असफल रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस राजस्थानी साहित्य के माध्यम से इस साहित्य को कैसे उपादेयता के रूप में, यानी कि हम शिक्षा के लिए पढ़ेंगे, हम परीक्षा तो पास करेंगे, लेकिन उस परीक्षा में अव्वल रहने के साथ समाज के लिए जो राष्ट्र का निर्माता होता है, टीचर नागरिक तैयार करता है, तो वो मतलब साहित्य और हम के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे संक्षिप्तीकरण के माध्यम से, संक्षिप्तीकरण में हमें, आप सुनिए दो मिनट के लिए, कि साहित्य में जो जीवन प्रदायनी शक्ति है वह किसी औसत में नहीं होती है। साहित्य में जितनी शक्ति औषधि क्या करती है, फोड़े को तैयार करती है रोग को, लेकिन साहित्य हमें रोग ही उत्पन्न नहीं होने देती है, यदि हमने उस साहित्य को समाज में, देश में, विदेश में, सभी जगह यदि हमारे जो नौनिहाल तैयार होते हैं या जो हमारी जनता जनमानस है उनके जनमानस तक यदि हमने पहुंचा दिया, तो साहित्य में जो अनिर्वचनीय आनंद है, जिसकी मतलब निंदा ही नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय आनंद है, वह साधना के कठिन मार्ग में नहीं। साहित्य हमारी वृत्तियों को पवित्र करके हमारे संस्कारों को उज्जवल बनाता है और हमें विविध गुण भरता है, हमारे में जो विविध गुण होते हैं उनको कूट कूट करके भरता है। वास्तव में यदि साहित्य न होता तो समाज और राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता था। तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य आनंद द्वारा मानव समाज का हित साधन है, वह समाज के जीवन में कल्याण की सृष्टि करता है, समाज पर इसकी गहरी और अमिट छाप पड़ती है। साहित्य आत्म तृप्तिकारक, जो मैंने ऊपर बताया, मानसिक भोजन है, जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्यप्रद भोजन से हमारा स्थूल शरीर बलिष्ठ और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार सत साहित्य से हमारी बुद्धि और विचार शक्ति बढ़ती है, उससे आत्मतुष्टि होकर अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, परम अनुभूति, परमात्मा से मिलना, आत्मा सो परमात्मा ये बोलते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सत साहित्य के प्रभाव से मानव समाज अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा, ऐसी आशा है। तो समाज की उन्नति और उसका कल्याण एकमात्र साहित्य में ही नियत, जो मैंने पहली लाइन की, हितेन सहितम साहित्यस्य भावे साहित्यम, जिसमें हित की भावना नियत हो वही साहित्य। तो राजस्थान के साहित्य को पढ़ने के साथ साथ हमारे को इस प्रेरणा को लेना चाहिए। और दो लाइन में आपको बता देता हूं, मतलब आपने लिखा अनुसंधान करता रहता है, तो यही कारण है कि संवेदनशील साहित्यकार जो इमोशनल होता है, कहते हैं इमोशनल हमें प्रभावित कर रहा है, और कई कहते हैं इमोशनल हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल का मतलब तो आपको मतलब थोड़ा शोषित कर रहा है, और इमोशनल प्रभावित करने का मतलब है कि वो संवेदनशील साहित्यकार की कलम से उद्भुत भाव जन जन को न सिर्फ आनंदित करते हैं वरन मानव समाज का हित साधन भी करते हैं। तो ऐसे साहित्यकारों के स्पर्श से साहित्य एक ऐसी जीवन प्राणदायिनी शक्ति बन जाता है जो युग युग तक मानव समुदाय का पथ प्रदर्शक गाइडर बन जाते हैं, पथ प्रदर्शक बन उसके आत्मविश्वास को कायम रखता है। ये सत्य है कि साहित्य में आत्म
अभिव्यक्ति की प्रधान तो होती है, किंतु यही भाव अभिव्यक्ति जन जन की भावनाओं से जुड़कर समष्टिगत, समष्टि का मतलब पॉपुलाइज, समग्र मतलब पॉपुलेशन जो हमारी जनसंख्या है, समष्टि का मतलब, समग्र का मतलब होता है हॉल, और समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है जो चेतना से जुड़ जाती है। साहित्य के इसी महत्व के कारण साहित्य विहीन राष्ट्र को मुर्दा कहा गया है। इसलिए मैंने यह लाइन भी लिखी कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, अंधकार वहां होगा जब सूर्य नहीं हो, मुर्दा है वे देश जहां साहित्य नहीं है। तो इसका महत्व बताया गया, तो साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह राजस्थानी साहित्य को पढ़ाते हुए मेरा आपसे अनुरोध भी है कि हम साहित्य के इन कृति और रचनाकार को तो पढ़ेंगे, क्योंकि हमें परीक्षा पास करनी है। जो हमारा स्वार्थ है, जो हमारा स्वार्थ टकराता है, या हमारी आवश्यकता है, ये हमारी नीड है, हमारा लक्ष्य है। लेकिन प्रिय विद्यार्थी, वो भी हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य, हमारी आसपास, हमारा गली मोहल्ला सब हमारे अच्छे संस्कारों से प्रभावित रहे। इसके लिए जो हमारे साहित्यकार, हमारे कवि, हमारे लेखक, हमारे रचनाकार, जिन्होंने अपने अच्छे वाणी और मुखारविंद के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा कलमबद्ध करके यहाँ आज हमारे इस बीच में उपस्थिति नहीं, एकाध को पीछे का लिखा, उसके अलावा जो सब स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो हमारे लिए अमर हो चुके हैं, उनको हम साध्य और साधक बन करके, उन साध्य के द्वारा साधक बन करके यदि हमारे जीवन को हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो वास्तव में इस राजस्थानी साहित्य के वीडियो को पढ़ने के साथ ही आप अपने जीवन में अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा प्रतिभागी, अच्छा प्रतिस्पर्धा युग का विद्यार्थी बना करके इस मेरे मनोबल को और बढ़ाएं। धन्यवाद।